राइट, हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड यूपीएससी वर्सेस कैट। ये डिस्कशन बहुत ही लोगों को तंग करती है और कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। यूपीएससी इज एन इमोशन, कैट इज अ डिफरेंट इमोशन, बट देयर इज वन गाय हु हैज लिव्ड बोथ द लाइव्स। ही हैज गॉन टू द यूपीएससी लेवल, कहां तक अमन, इंटरव्यू तक? यस सर। और इंटरव्यू तक जाके वापस आया एंड देन ही पुल्ड अप हिमसेल्फ एंड ही प्रिपेयर फॉर कैट। बंदा 99.64 इन कैट। अमन, सुपर कांग्रेस भाई, फटे जाग दी तूने यार। थैंक्स सर, थैंक यू। क्या बात है। और उसके बाद एक्सेलर भी कॉल है, जैट 96.66। नारसी मुझे 260, माई गुडनेस 260। यस सर। पहले तो मुझे अपनी जर्नी बता भाई, व्हाट इट टुक यू टू लीव दैट यूपीएससी जर्नी एंड कम टू द कैट जर्नी। बाय द वे, इसके सारे कॉल्स हैं, बैंगलोर कलकत्ता को छोड़ के इसके सारे कॉल्स हैं, अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, कोईकोड, सारे आईएम्स के, मतलब 20 आईएम, 18 आईएम की कॉल है भाई के पास। और एफएमएस का कॉल भी अगर अप्लाई किया तो वो भी। एफएमएस अप्लाई किया हुआ है सर? किया, मैंने कॉम्प्लेक्स स्कोर कैलकुलेट किया तो आई शुड गेट इट। सुपर। और बंदे का स्कोर सुनो, वर्बल 99.95, क्वांट में 89 और डीएलआर 98.8, सारी सेक्शन कट ऑफ क्लियर, ओवरऑल कैट 99.64। भाई वर्बल 99.95, माय गुडनेस, इतना होशियार? नहीं सर, होशियार नहीं, द थिंग इज आई एम लिटरेचर ग्रेड, सो नेचुरली मतलब आई लाइक रीडिंग एंड आई एम गुड एट वो वर्बल एबिलिटी वगैरह। प्लस सर आपने आपकी the thing is what used to happen before is कि जब मैं पहले मॉक्स दे रहा था तो माई स्कोर यूज टू वेरी, मतलब पहले 24 में से 14 10 करेक्ट हो रहे हैं, 14 करेक्ट हो रहे हैं, बट लेकिन विद योर हेल्प एंड यू नो कैट किंग एंड द मॉक्स वगैरह द डैशबोर्ड, वो धीरे धीरे मैं उसको 15-16 ले आया एंड एग्जाम में आई थिंक वो 18-19 चला गया सर। फाड़ दिया बेटा तूने, फाड़ दिया। सच्ची बताओ, वर्बल बचाया तेरे को, देख ले। हाँ, मेरी बातें सुनते नहीं लोग। मैं पहले से देख रहा था, आपने कहा मतलब एक ना एक पे मतलब फोकस करो, या तो वर्बल या क्वांट। मैंने कहा मेरा वर्बल अच्छा था, फोकस ऑन वर्बल पहले। सुपर यार, सुपर कांग्रेट्स मैन, यू रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल। यूपीएससी छोड़ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट जर्नी। मुझे थोड़ी चिटचैट करते हैं, पीपल आर लिसनिंग टू अस, बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट इन द लाइक बटन। इट टेक्स गट्स टू लीव एवरीथिंग एंड यू नो टेक अ गैप ऑफ अराउंड 3-4 years एंड देन टेक अनदर बेल्ट एंड देन अनदर बेट एंड से अब मुझे कैट करना है, और इस लड़के ने किया यार, लाइक ठोको इसके लिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। अमन, क्या थी तेरी जर्नी यार, यूपीएससी का कीड़ा कब लगा और कितने साल लगाए तूने, एंड व्हेन यू कम आउट एंड हाउ डू यू कम आउट एज़ वेल? सर कॉलेज में हुआ था, इनफैक्ट मतलब इन कॉलेज, मतलब आफ्टर आई यू नो डिड माय ग्रेजुएशन, आई ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम रामदास कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद आई वेंट इन फॉर पोस्ट ग्रेड एज वेल, मतलब एक, बट लेकिन एक साल में आई रियलाइज कि मतलब यार आई डोंट वांट टू डू दिस, मतलब मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग रिसर्च करके मजा आ नहीं रहा। तो आई थॉट कि मतलब उसके बाद तभी यूपीएससी का दिमाग में था कि मतलब आई वांटेड टू जॉइन द गवर्नमेंट। हाल सर आप जानते हो सरकार के कैसे हैं, आई वांटेड टू जॉइन इट एंड मेक इट मोर एफिशिएंट, आई वांट टू मेक द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज मोर स्पेसिफिकली मोर एफिशिएंट एंड बेटर। तो सर उसके बाद से मतलब आई पोस्ट ग्रेड छोड़ दिया, आई डिडंट फिनिश पोस्ट ग्रेड, यूपीएससी में लग गया सर। एंड धीरे धीरे मतलब आई फाउंड इट चैलेंजिंग बिकॉज एक सेल्फ रेगुलेशन ना मुश्किल हो जाता है सर, मतलब हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो देयर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट्स रेगुलेटिंग यू, लाइक टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, वहां पे देयर इज नथिंग लाइक दैट, मतलब तुम्हें यू नो यू आर ऑन योर ओन पूरा पूरा, मतलब पेरेंट्स सपोर्ट यू इन ऑल मॉनेटरीली, बट लेकिन देयर इज नथिंग कि लोग तुमसे कह रहे हैं कि मॉक वो कर लो, असाइनमेंट्स कर लो, एक एग्जाम है, देयर इज ओनली एक साल में सिर्फ एक एग्जाम है, वो तुम्हारा अच्छा नहीं जाता, तो यू नो मतलब इट्स लाइक प्रीलिम्स के बाद देन मेंस देन इंटरव्यू, तो वो काफी वो हो जाता, देन उसमें थोड़ी इशू हुई, देन वो सॉर्ट हो गया, तो आई मेड इट मतलब टू द मेंस। फिर एक बार मेंस नहीं निकला बिकॉज आई चोज द ऑप्शन सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको दो पेपर देने पड़ते हैं, तो उसका पहले उसमें नहीं निकला, देन फिर वो ऑप्शनल भी निकल गया, इंटरव्यू में तक मैं पहुंच गया, मैं फिर इंटरव्यू नहीं निकला। उसके बाद आई वाज लाइक यार आई एम 24-25, अब इसके बाद इट डजंट मेक टू मच सेंस टू मी टू कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी, एटलीस्ट मतलब होल हार्टेडली I think I should look for alternatives. क्योंकि ये उम्र है, once you like cross 30-31, then you know opportunities start to dwindle. So I talked to my friends, मतलब my friends are you know placed in like companies like RBAs, data analysts वगैरह, they're doing good. Yeah. So then कि sir क्या कर सकते हैं, और they advise कि मतलब you can go in for law or you can go in for मतलब you can do an MBA, मतलब यही दो चीजें थी. लॉ सर आई डिडंट हैव टू मच ऑफ एन अफिनिटी फॉर लॉ डिस्पाइट हैविंग स्टडीड इट, तो मुझे लॉ का थोड़ा बहुत मतलब आई हैव अ बेसिक आइडिया बिकॉज ऑफ यूपीएससी, आई स्टडीड इंडियन पॉलिटी वगैरह उसमें, गुड गुड, नो द लेकिन आई फील लाइक आई हैव मोर टू लर्न हियर एमबीए वगैरह बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता, मतलब आई डिड माय 11th 12th इन साइंस एंड आई डिड वेल उसमें,
फिर आई मूव्ड ऑन टू आर्ट्स एंड आई डिड वेल. कॉमर्स मुझे आती नहीं ढंग से, बट सो आई फेल लाइक मतलब दिस विल बी अ न्यू चैलेंज, अ न्यू जर्नी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. तो कूद पड़े सर, आई कूद पड़े फिर. जी यस सर. क्या बात, तूने लास्ट के दो तीन महीने रिगर मारा ना खूब करके एकदम. हाँ सर, पहले हुआ क्या, तो आई गॉट सीरियस लाइक चार महीने पहले, तो तब तक आई डिडंट जॉइन एनीथिंग, तब तक मैं अपने अपने आप से ही कर रहा था. शुरू के दो महीने आई वाज डूइंग इट माई सेल्फ, कि मतलब कहीं से फ्री मॉक्स मिल रहे हैं वो कर लिए, फ्री मटेरियल है वो कर लिए, बट देन आई रियलाइज यार ऐसे बात बनेगी नहीं, आई नीड कंसोलिडेट मटेरियल इन वन प्लेस. तो एक कजन है मेरी, शी इज ऑलरेडी डूइंग हर एमबीए, मतलब शी इज अबाउट टू फिनिश, शी इज डूइंग इट फ्रॉम ग्रेट लेक्स गुड़गांव. तो शी सजेस्टेड अ कपल ऑफ चैनल्स, एक कैट किंग, एक स्टडी बज, एक दो और. उसने कहा कि देख लो एंड टेक योर पिक, मतलब व्हाटएवर सूट्स यू, मतलब जहां कहते जैसे ही उसे कि जहां तुम्हारी लय जुड़ जाए. तो सर आप देखा एंड आपके साथ लय जुड़ गई, तो आई जॉइंड अक्टूबर में. क्या बात है, होप इट वाज वर्थ इट. सर इट वाज मोर देन वर्थ इट, आई थिंक खुद करता तो इतना तो नहीं आता, मतलब कुछ ना कुछ फर्क रह ही जाता. फाड़ दिया तूने भाई, तूने इतना आता क्या होता है, तूने फाड़ा है पेपर बेटा, फाड़ा है. और ये चार महीने का तेरा रिगर, वो चार साल का सब धुएंदार, सब धुआं हटा दिया उसने, देखो मालूम है एवरीथिंग. एंड नाउ यू आर सच अ स्टेज एंड यू आर अ ब्लडी रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल. और एंड ये मैसेज दुनिया को भी जा रहा है जो यूपीसी में लगे पड़े हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं, समझा, और उनको पता नहीं. जैसे यू आर लॉस्ट, लाइक पीपल टेल यू लॉ कर ले एंड यू यू कम आउट ऑफ इट. एंड हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो पता नहीं, बट कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली कि साला हिल, कुछ कर सकता है तू. सर डेफिनेटली, आई मीन सर आई थिंक एक चीज है विच यू कीप सेइंग एंड आई रिमेंबर, कि यार लगे रहो कुछ अच्छा होगा, मतलब डोंट गिव अप. एंड इट्स लाइक यूपीएससी रिमोशन वगैरह ठीक है, पीपल हाइप इट अप, बट अल्टीमेटली मतलब इट्स नॉट बिगर देन योर लाइफ यार, इट्स नॉट बिगर देन यू. हो रहा है बहुत अच्छी बात है, गो इन. नहीं हो रहा है मतलब ट्राई समथिंग एल्स यार, निकलो पीपल गेटिंग रिजेक्टेड एंड यू नो मतलब वेस्टिंग 10 इयर्स ऑफ देयर लाइफ, मतलब वो थोड़ा गलत है, मतलब फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. And I feel like even six attempts is like too many. I think it should be three or four. मतलब पहले दो ही था like decades back. अब due to political reasons वगैरह वो attempts बढ़ते चले गए. तो I think मतलब you shouldn't do that. मतलब दो तीन के बाद मतलब I think you should you know move on. Nikul, this is not meant for you. That is not meant for us. You know we are not demotivating anyone. You know this guy has lived his story, is sharing his life. बाकी तो अड़ी मर्जी है, तुमने सुनना है सुनो, नहीं करना ना करो. क्यों भैया मन? Because some people are real still crazy about it. You know लगे पड़े हैं. हाँ सर, द थिंग इज वो कंपटीशन का ये चक्कर हो जाता है. द प्रॉब्लम इज बेसिक मैथ सबको आता है, तो यू ठीक यू थिंक यू नो यू विल रियलाइज इफ यू एनालाइज इट कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल गिविंग एग्जाम्स. और इनफैक्ट 2014 से 2015 से द सीट्स हैव बीन कमिंग डाउन. सो सर 2013 में आई थिंक देयर वाज 1500, नाउ देयर आर अप्रॉक्स 800 टोटल नंबर. उसमें भी मतलब 22-23 सर्विसेज है. मोस्ट पीपल वो यू नो एक दो जो शुरू की दो तीन नहीं मिलती उसके बाद दे स्टार्ट क्रिपिंग, हमें अच्छा नहीं मिला, ये है वो है. Any case, what I mean is ki if you or let's say I'm in general, no hate to anybody, to mere liye aur wo matlab EWS ke aane ke baad se wo aur kam ho gaya. To effectively basically you're fighting for 300-350 seats. True. But that's like basically smaller than IMA's batch. that's a very good comparison. And here life is easy. मतलब तू ऐसा बोलना चाहेगा जितनी यूपीएससी की तैयारी करी है या उस देखो यूपीएससी की तैयारी करी कभी वेस्ट तो जाएगी नहीं. इट हैज मेड यू स्मार्ट, राइट अमन? ये तो मानेगा कि नहीं है ना? डेफिनेटली. आई मीन आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल मोमेंट ऑफ इट. एंड आई थिंक मतलब उसकी वजह से ही है कि मतलब आई वाज एबल टू डू दिस इन 4 मंथ्स. नहीं तो आई वुड हैव हैड टू स्पेंड अनदर ईयर और टू, लाइक मतलब मोस्ट पीपल डू प्रिपेयरिंग फॉर कैट. करेक्ट. और वर्बल में तूने फाड़ा है, तू वैसे भी तेरा बैकग्राउंड भी सही है, यू आर अ वेल रीड पर्सन एज वेल, बिकॉज़ व्हेन यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी यू बिकम वेल रीड एज वेल, राइट? यस. मतलब so coming from a literature background sir, I like reading fiction, but UPSC karte I like reading non fiction as well. Acha. Yeah. The newspaper, not just newspaper, but books as well, matlab non fiction books as well vagera. Sapiens, you know, Sapiens is not a very good book, but still. Yeah, it's a little slow. I read the book, it's a little slow, but sir wo generalize bhi bahut zyada karti hai, matlab has too many inaccuracies, matlab if you get into it. Yeah, it's good read, matlab jisko kuch nahi pata na uske liye ek first read ke liye it's a little mesmerizing ki bhai ye kya bol raha hai. Good, मतलब initiation sort of thing. Correct. Because to build that perception, to understand such text also, you need a subtext, you know, and it builds that. So इसलिए with all the policies, I appreciate that. Nevertheless, यार अमन, you're a role model for many people. यार आज तूने मेरा सीना तो और चौड़ा किया है, कैट किंग का फ्लैग भी और हाई किया है.
and what is your message to all the people who are stuck in UPSC and some people will make it through, some will not make it through. क्या message देना चाहिए जो सोच रहे हैं अभी? मुझे रोज़ message आते हैं यार कि सर UPSC से CAT की तरफ move होना है, और मुझे जितना अपने लेवल पे पता है मैं बता देता हूँ, बट तू क्या मैसेज देना चाहेगा? व्हाट इज योर टू सेंस ऑन दैट? ओके सर, सो आई से टू थिंग्स. पहली बात तो मतलब लाइक इफ यू आर गोइंग इनटू यूपीएससी, मतलब लाइक इफ यू आर 20 21 19 व्हाटएवर, हैव अ बैकअप प्लान. मतलब आई डिडंट कि ये सोच के क्या एक ही चीज करनी है. एंड आई मतलब द थिंग इज आई हैड पेरेंटल सिक्योरिटी, मतलब पैसों का इतना इशू था नहीं, सो आई कुड डू इट. बट लाइक आई वुड एडवाइज यू कि यार अगर थोड़ा बहुत भी है ना तो जस्ट हैव अ बैकअप प्लान. सुपर. दूसरी बात सर, मतलब जो 3-4 साल के बाद नहीं हो रहा है तो लाइक डोंट बी डिजेक्टेड, ट्राई समथिंग एल्स. मतलब समटाइम्स यार क्या होता है, मतलब यू कांट एग्जैक्टली पिन पॉइंट व्हाई यू वांट एबल टू डू समथिंग, बट लेकिन इन केस नहीं हो रहा है तो यू नो यू कैन ऑलवेज ट्राई समथिंग एल्स एंड यू माइट एक्चुअली सक्सीड इन दैट. एंड दिस हैज बीन ट्रू फॉर मी एज वेल. ग्रेट. एंड और किसी ने मन बना लिया है फ्रॉम यूपीएससी टू कैट, 4-5 महीने का रिगर मार ले वो, और डैशबोर्ड वगैरह का भी एक्सेस हो उसके साथ ये कैट किंग वाला, तो कर सकता है वो? सर मैंने 2 महीने में किया सर, 4-5 महीने में डेफिनेटली कर सकता है. आई थिंक कैट किंग का स्पेशली और उसके बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं है. मतलब करने को यार फिर तो कितना भी अरुण शर्मा पढ़ लो, बुक्स वगैरह कितना ही कर सकते हो मतलब, और लेकिन कैट के पर्सपेक्टिव से या मैनेजमेंट एग्जाम्स कोई भी पर्सपेक्टिव से डैशबोर्ड के बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है. चाहे कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, मुझे कैटिंग का अच्छा लगा सो आई जॉइन कैट किंग. सुपर. ग्रेट. एंड डिड यू स्पेंड टाइम लर्निंग इन माई क्लासेस? वर्बल मंडे, वर्बल वेंसडे, वो सब आता था तू? सर कभी कभी तो मैं 2 बार कर लेता था. ग्रेट. और सुधांशु सर के चुटकले और वो सब मजे किए तुमने क्लास बैठ के बैठ के? हाँ सर, सर जैसे सुधांशु सर कहते हैं मचाया है वगैरह, तो एक दिन आज मतलब पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर ये होता क्या है. हाँ. आज मतलब मचाया मींस कि एक्सेल्ड इन एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर फील्ड या कुछ भी मतलब. सुपर सुपर. और जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं कैट किंग फैमिली को, डैशबोर्ड को यूज़ करने के लिए एडवाइस कैसे? तूने पूरा चार्ट बनाया इसके डैशबोर्ड? मेरे पास नंबर ऑफ आर है, 500 GB तक का वीडियो सुने इसने. हाँ ये बहुत चालाक चीज़ है, इसकी भोली शक्ल में बन जाओ, बड़ा मेहनती आदमी है ये. सो एनी टिप्स फॉर देम, हाउ डू यूज़ द डैशबोर्ड, हाउ डिड यू यूज़ इट? सर आई मीन एक होता है इनिशिएशन, आई मीन अनिशा मैम होस्ट, जब आप ज्वाइन करते हो तो शी होस्ट दिस स्मॉल 15-20 मिनट्स का इनिशिएशन एंड शी टेल्स यू हाउ टू डू इट. तो मैंने वही फॉलो किया, तो अटेंड द क्लासेस और जो भी क्लास हो रही है उसका LOD 1 लेवल बुक्स अवेलेबल होती है वो सॉल्व कर लो, देन यू मूव फॉरवर्ड. उसके बाद LOD 1 के बाद क्षमता है तो LOD 2 पे भी चले जाओ. सो दैट्स व्हाट आई डिड. उसके बाद बीच बीच में सर हफ्ते में एक मॉक दे दो, ज्यादा टाइम है 2 मॉक दे दो, सेक्शनल कोई कमजोर है वो दे दो. दैट्स हाउ आई यूज इट सर. ग्रेट. एंड डिड यू गेट टाइम टू सी दोस रियल कैट का एनालिसिस? वो मोइनैक सॉल्व करता था जादूगर की तरह, वो पूरा बैठ के टक टक. अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा नहीं देख पाया मैं वो, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ. तब मैं ज्यादा देख नहीं पाया बिकॉज थोड़ा टाइम क्रंच था. तो सर सुधांशु सर का ही मतलब 2-3 घंटे का देखने के बाद आई यूज्ड टू फील लाइक कि और ठीक है मतलब हो गया, आई हैव टू मूव ऑन. क्या अजय सुधांशु का लाइव अटेंड करता था मॉक सॉल्विंग? हाँ सर. अरे क्या बात है यार, क्या बात है. ग्रेट. और वो जो जर्नी में स्टार्टिंग में एओनएस वगैरह पढ़ते थे उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ सर, मतलब इनफैक्ट मतलब सर लाइक आई टोल्ड यू, मतलब आई लाइक रीडिंग. तो मैं क्या करा, मैंने हैबिट बना ली, मतलब जो चीज पसंद है उसको डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सो आई यूज्ड टू वेक अप, make some tea for myself for a must honestly super super pad liya and I like reading to maza bhi aata tha. So you start your day on a positive note, it didn't feel like a chore. That's and I can inculcated that as a habit as well. That's so amazing. Boys and girls, do it on like button for this guy, he's a fighter. So from UPSC to CAT journey and we're very proud. Aman 99.64 mazak nahi yaar, main to verbal ke liye bada hi khush hu tera score dekh ke 99.95. and bhaad bajaye Sudhanshu thodi der ke liye. यहाँ साहिल सर एक अरे मस्ती कर रहा हूँ, ये जिनको नहीं पता हमारे क्वांट्स की टीचर है. मैं तो वर्बल का स्कोर देके बड़ा खुश हूँ भाई, 9.95 वर्बल मैन. यूर ऑसम गाय. बॉयज एंड गर्ल्स डू इट इन द लाइक बटन एंड सेम ऑल द बेस्ट. दिस गाय इज गॉन बी एंटरिंग हिज इन टू द रिगर ऑफ आई एम अहमदाबाद एक्सेट्रा. ही इज गॉट ऑल दीज कॉल्स, नारसी मोजी का कॉल है, इंटरव्यू भी देखा है. एंड यस, ऑल द बेस्ट अमन. कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एज वेल एंड दे हैव गिवन बर्थ टू अ फाइटर चाइल्ड, आई मस्ट से दैट. Thank you, sir. Thank you for being so gracious. Thank you so much. Have a good day ahead. All right, boys and girls, drop in a comment. What do you guys think about this journey? What do you guys think about UPSC as an emotion and the CAT as an emotion? And we'll discuss in the comment section. And wish him all the best also. Thanks, man. Thank you so much. Have a good day ahead. Bye-bye.